अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम विज़िट करेंगे 11 मरला कॉर्नर हाउस। बहुत ही खूबसूरत जो है इस घर को डिज़ाइन किया गया और बहरिया टाउन लाहौर में ये घर मौजूद है और आइडियल लोकेशन पे ये घर मौजूद है बहरिया टाउन लाहौर में। ये इसके साइड एलिवेशन का व्यू देख सकते हैं। कंप्लीट जो है ये लाइट ग्रे घर में यहाँ रोपल किया गया और ये इसकी साइड वॉल आप व्यू कर सकते हैं। ये निश दी गई यहाँ पर, ये आउटडोर लाइट्स दी गई हैं, टाइल वर्क हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इसकी वॉल को डिज़ाइन किया गया और ये इसके साइड एलिवेशन को भी फ्रंट एलिवेशन की तरह कम्प्लीटली जो है बड़ी खूबसूरती से टाइल वर्क के साथ आउटडोर लाइट्स दी गई हैं यहाँ पे। और ये जो विंडो आपको फर्स्ट फ्लोर पे नज़र आ रही हैं ये बेडरूम की तरफ और लिविंग एरिया की तरफ ओपन हो रही हैं अंदर से। और ये नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं ये विंडो दी गई हैं और ये कॉर्नर हाउस होने की वजह से वेंटिलेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है। और ये इसके साइड एलिवेशन का व्यू आप देख सकते हैं, ये ऊपर टॉप पे इसकी ममटी का व्यू है और ये साइड डोर दिया गया जो इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन हो रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा जो है एज है कॉर्नर हाउस होने की वजह से डबल डोर दिया गया इसे। ये इसके साइड एलिवेशन का फुल व्यू ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है और लाइट कलर कम्बिनेशन के साथ इस घर को डिज़ाइन किया गया। आइडियल लोकेशन पे घर मौजूद है, कमर्शियल मार्केट, मस्जिद और पार्क की लोकेशन इसके बिल्कुल नियर टू है और 40 फिट मेन रोड पर ये घर लोकेटेड है। ये इसकी फ्रंट साइड का व्यू ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसकी जो है फ्रंट हाइट को डिज़ाइन किया गया। कंप्लीट यहाँ टाइल वर्क का व्यू कर सकते हैं। ये राइट साइड पे इसका टेरेस डिज़ाइन किया गया जिसे आयरन रॉड से फ्रंट से कवर्ड किया गया। ये ऊपर टॉप पे इसकी ममटी का व्यू और इसके साथ ये आप देख सकते हैं कंप्लीट नीचे ग्राउंड से ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक कंप्लीट टाइल वर्क है और ये विंडो दी गई है और ये फर्स्ट फ्लोर पर इसके बेडरूम की विंडो और इसके साथ आप देख सकते हैं ये ब्रिक्स डिज़ाइन में ये मार्बल वर्क हुआ है इसके विंडो के साथ और ये आउटडोर लाइट्स दी गई हैं, SMD लाइट्स यूज़ की गई हैं यहाँ। ये इसके मेन डोर का डिज़ाइन आप व्यू कर सकते हैं, ब्लैक कलर में इसे पेंट किया गया है, मेटल में इसे तैयार किया गया। इसके साथ ये इसकी फ्रंट वॉल यहाँ पे भी जो है ग्रे कलर में ये रोपल किया गया है, टाइल वर्क हुआ, ये निश दी गई यहाँ पे, ये आउटर लॉन का व्यू और ये इसके फ्रंट एलिवेशन का व्यू फुल व्यू और ये इसमें रैंप दिया गया और इसके साथ ये आप देख सकते हैं 40 फिट वाइड रोड पर ये घर मौजूद है और ये बिल्कुल सामने ये मस्जिद की लोकेशन है और इसके साथ ये पार्क की लोकेशन है, यानी कि ये जो है पार्क और मस्जिद फेसिंग ये घर मौजूद है, ये फेसिंग इसकी लोकेशन है और ये कमर्शियल मार्केट जो है बिल्कुल सामने आप व्यू कर सकते हैं। पार्क, मस्जिद और कमर्शियल मार्केट बिल्कुल करीब है इसके। ये इसमें इसके गैराज में हम आगे हुए हैं और ये गैराज में आप व्यू कर सकते हैं, वाइडर जो है स्पेस दी गई इसके गैराज में। यहाँ पर आपकी 3 बड़ी गाड़ियाँ यहाँ इजीली पार्क हो सकती हैं। ये गैराज के फ्रंट वॉल मोज़ेक वर्क हुआ है यहाँ, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन आप व्यू कर सकते हैं, फैन या इंस्टॉल है और इंटरेस्ट के साथ राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये 5 फिट गली दी गई है और इसी साइज में गली इस घर की बैक साइड पे दी गई है। ये इसके गैराज का फुल व्यू और ये लेफ्ट साइड पर ये फ्रंट ओपन स्पेस दी गई है बिल्कुल सामने। ये प्लांट या इंस्टॉल हैं, ये ट्रेवरटाइन मार्बल और ग्रास के साथ इस वॉल को डेकोर किया गया और ये रोपल आप व्यू कर सकते हैं। ये इसमें विंडो दी गई है, ये बेडरूम की विंडो है, ये बिल्कुल फ्रंट पे ये ग्राउंड फ्लोर पे ये बेडरूम डिज़ाइन किया गया, इसे आप एज आ ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं और ये आउटडोर बहुत ही खूबसूरत लाइट्स यूज़ की गई हैं यहाँ और ये आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ टाइल वर्क हुआ है इसके फ्रंट पे। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर इसके बेडरूम की विंडो है, इसके साथ ये इसका टेरेस और ये गैराज का व्यू, इस तरह इसके फ्रंट साइड डिज़ाइन की गई है। बिल्कुल सामने ये इसका मेन डोर आप व्यू कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है इस डोर का डिज़ाइन है, सॉलिड वुड में इसे तैयार किया गया और ये वुडन स्ट्रिप्स इसमें डिज़ाइन की गई हैं, फिनिशिंग बड़ी अच्छी है इसकी। मेन डोर से हम इंटर होंगे, ये इसकी बहुत ही खूबसूरत इंट्रेंस आप व्यू कर सकते हैं। इंट्रेंस के साथ राइट साइड पे ये स्टेज दी गई हैं जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर को और नीचे ये बेसमेंट को अप्रोच कर रही हैं। ये बेसमेंट में टोटल 7 बेडरूम दिए गए हैं इस घर में, बेसमेंट में 2 बेडरूम दिए गए हैं। ये बिल्कुल सामने विंडो आपको नज़र आ रही है, ये इसकी साइड 5 फिट गली की तरफ ओपन हो रही है वेंटिलेशन के लिए और ये बिल्कुल सामने ये इसका मेन डोर दिया गया और आप देख सकते हैं हाइटेड डोर दिया गया, ये सॉलिड वुड में से तैयार किया गया, ग्लास इसमें यूज़ किया गया। ये इसके लिविंग एरिया का मेन डोर है और ये लेफ्ट साइड पे ये बेडरूम का डोर दिया गया और ये सेपरेट डोर है, आप इसको एज अ ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इसकी एंट्रेंस का लॉबी का व्यू ये आप देख सकते हैं, डबल हाइट, बहुत ही खूबसूरत जो है ये स्टेज डिज़ाइन की गई है यहाँ, ग्लोब या इंस्टॉल है। ये बिल्कुल सामने लिविंग एरिया का मेन डोर, ये बेडरूम दिया गया, पहले हम इसका ये बेडरूम विजिट करेंगे। बिल्कुल सामने ये इसके फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है, वुडन स्ट्रिप्स दी गई हैं, ये मोल्डिंग वर्क हुआ है, या ग्लोब या इंस्टॉल है और बहुत ही खूबसूरत सिंपल इसका सीलिंग डिज़ाइन, प्रोफाइल लाइट्स दी गई हैं इसके सीलिंग डिज़ाइन में और ये विंडो दी गई है
जो अभी हमने बाहर से विजिट की है, बाहर से इसके फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है और ये इसके गैराज का व्यू आ रहा है विंडो से। नीचे ग्राउंड पे आप व्यू कर सकते हैं, ये 3x6 की टाइल यूज़ की गई और एक पीस में ये टाइल यूज़ की गई, आप देख सकते हैं काफ़ी जो है एक्सपेंसिव वर्क हुआ है कम्प्लीट घर में। और ये इसमें वॉशरूम दिया गया है बिल्कुल सामने, बहुत ही खूबसूरत वेंटी, ये मिरर कम्प्लीट टाइल वर्क का व्यू कर सकते हैं। और ये ब्रास आप देख सकते हैं, ब्रास वर्क हुआ है, ये ब्रास स्ट्रिप्स डिज़ाइन की गई हैं, कंसील्ड कमोड या इंस्टॉल है और बहुत ही खूबसूरत जो है लाइट कलर कॉम्बिनेशन में ये टाइल वर्क का व्यू कर सकते हैं। एग्जास्ट दिया गया है, ये इसका सीलिंग डिजाइन और ये इसमें शावर स्पेस को सेपरेट किया गया, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से लाइट कलर कॉम्बिनेशन के साथ और डिसेंट वर्क हुआ है। ये इसमें विंडो दी गई है जो दूसरी तरफ से ये वेंटिलेशन स्पेस की तरफ ओपन हो रही है। ये इसके वॉशरूम का फुल व्यू और इसके साथ ये वार्डरोब जो है ये डिज़ाइन की गई है इसमें, और आप देख सकते हैं टेम्पल ग्लास में ये डोर डिज़ाइन किए गए हैं। ये इसके वॉशरूम का फुल व्यू, ये हम वापस आ गए हैं बेडरूम में, ये बेडरूम का फुल व्यू, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन और ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए हैं इसके लॉबी में, बिल्कुल सामने ये मेन डोर, ये अगेन इस मेन डोर का व्यू और ये मेन डोर से हम इंटर होंगे लिविंग एरिया में। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है अगेन ये लाइट कलर कम्बिनेशन के साथ और बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट वर्क हुआ है। ये वाइडर विंडो दी गई है जो इसकी साइड गली की तरफ ओपन होगी। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन ये आप देख सकते हैं, GFC के फैन या इंस्टॉल है, इम्पोर्टेड जो है ये फ़ैन है, खूबसूरत शैंडल या इंस्टॉल है। नीचे ग्राउंड पे अगेन जो है 3x6 की टाइल की गई है और ये इसमें लिविंग एरिया में मीडिया हॉल आप व्यू कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है लाइट कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप देख सकते हैं डिसेंट वर्क हुआ है इस घर में। और ये बिल्कुल सामने ये विंडो नज़र आ रही है, ये वेंटिलेशन स्पेस दी गई है या जो ऊपर इसकी छत की तरफ ओपन हो रही है। इसके साथ बिल्कुल फ्रंट पे आप देख सकते हैं ये ट्रेवर्टाइन मार्बल और ग्रास वर्क हुआ है या, और नीचे ग्राउंड पे ये ग्रे कलर में टाइल यूज की गई है। इस तरह जो है इस स्पेस को डिज़ाइन किया गया। ये इस लिविंग एरिया का व्यू दूसरी साइड से, ये आप देख सकते हैं वाइडर व्यू है इसका, बहुत ही खूबसूरत अकोमोडेशन में इसको डिज़ाइन किया गया। ये बैक साइड पे एक बेडरूम दिया गया, इसके साथ मास्टर साइज में किचन स्पेस है। पहले हम इसका ये बेडरूम विजिट करेंगे। ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई है जो इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रही है वेंटिलेशन के लिए। ये इसमें बेड साइड बोल्ड डिज़ाइन की गई है, ग्लोब या इंस्टॉल है और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये वुडन वर्क हुआ है, ये इस वॉल को डिज़ाइन किया गया। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल और डिसेंट सीलिंग डिज़ाइन है, अगेन जो है बहुत ही खूबसूरत जो है एक्सपेंसिव फैन या इंस्टॉल है। ये इसमें वार्डरोब डिज़ाइन की गई है, कंसील्ड वार्डरोब दी गई है और टेम्पल ग्लास इसमें यूज़ किया गया। और आप देख सकते हैं टाइल वर्क के साथ जो है ये हाई ग्लास ये शीट यूज़ की गई है, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर कम्बिनेशन बन रहा है। और ये डोर का डिज़ाइन बहुत ही डिसेंट है, ये वुडन स्ट्रिप्स इसमें डिज़ाइन की गई हैं। ये इसमें वॉशरूम का व्यू और ये आप देख सकते हैं ग्रे थीम में बहुत ही खूबसूरत जो है ओवरऑल इस वॉशरूम को लुक दी गई है। बिल्कुल सामने ये वैनिटी, इलेक्ट्रिक मिरर, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, ये कंसील्ड फिटिंग में कमोड, ये विंडो दी गई जो इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी और आप देख सकते हैं शावर स्पेस को जो है फुली सेपरेट किया गया है। और इसके साथ ये वॉल डिज़ाइन की गई, लिस्ट दी गई या ये इस वॉशरूम का फुल व्यू, ये हम वापस आ गए हैं इसके बेडरूम में और आप देख सकते हैं मास्टर साइज में इस रूम को डिज़ाइन किया गया। ये इस रूम का फुल व्यू, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। हर रूम और लिविंग एरिया जो है ड्राइंग रूम वो डायरेक्टली जो है सनलाइट के साथ अटैच है, कॉर्नर हाउस होने की वजह से वेंटिलेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है। ये इसका डोर दिया गया किचन का और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से इस डोर को डिज़ाइन किया गया। और ये मास्टर साइज में ये इसके किचन का व्यू आप देख सकते हैं, ये ग्रे कलर में और वुडन डिज़ाइन में ये हाई ग्लास शीट यूज़ की गई है किचन कैबिनेट में। ये स्टोव एग्जास्ट या स्टोल है और वॉल के साथ कंप्लीट आप देख सकते हैं ग्रे कलर में टाइल वर्क। ये विंडो दी गई जो इसके साइड 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी वेंटिलेशन के लिए। ये इस किचन का फुल व्यू, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल और डिसेंट सीलिंग डिज़ाइन है,
फैन ये इंस्टॉल है नीचे ग्राउंड पे, अगेन 3x6 की टाइल आप व्यू कर सकते हैं। और इसके साथ ये स्मार्ट जो है किचन दिया गया, ये आप देख सकते हैं, ये ऑफर्ड कलर में ये किचन कैबिनेट डिज़ाइन की गई है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन आप व्यू कर सकते हैं। ये इसमें विंडो दी गई है जो इसकी साइड गली की तरफ ओपन होगी, सिंक ये इंस्टॉल है नीचे ग्राउंड पे, टाइलवर का व्यू कर सकते हैं। ये डोर दिया गया जो इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगा, और ये आप देख सकते हैं ये बैक गली में ये डोर दिया गया जो इसके साइड 40 फीट रोड की तरफ ओपन हो रहा है इस तरह ये। और इसके साथ ये बिल्कुल सामने कमर्शियल मार्केट और पार्क और मस्जिद की लोकेशन, और कमर्शियल मार्केट बिल्कुल जो है इसके करीब है। ये इस किचन का फुल व्यू। ये हम आ गए हैं वापस मास्टर रूम में, किचन रूम में। ये आप देख सकते हैं ये इस किचन का फुल व्यू। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में। ये ग्राउंड फ्लोर हम फुली विजिट कर चुके हैं। ये बैक साइड पे मास्टर साइड में किचन दिया गया, इसके साथ ये बेडरूम डिजाइन किया गया। अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं, और ये इसके लिविंग एरिया का फुल व्यू। और इसके साथ फ्रंट साइड पे एक बेडरूम दिया गया, इसे आप एज अ ड्राइंग रूम भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका डोर जो है फुली सेपरेट है, मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ है। और ये इसमें अभी हम इसका बेसमेंट विजिट करेंगे। इसके बेसमेंट में दो बेडरूम जो है डिजाइन किए गए हैं बड़ी खूबसूरती से, और ये आप देख सकते हैं इसकी स्टेज जो है, ये रेलिंग जो है आयरन रेलिंग दी गई है वुडन बॉर्डर के साथ, बहुत ही खूबसूरत जो है इसकी स्टेज रेलिंग को डिज़ाइन किया गया। ये हम इसकी लॉबी में आ गए हैं। ये खूबसूरत शैंडल या स्टॉल है, ये आप देख सकते हैं ट्रेवर्टाइन मार्बल और ग्रास के साथ इस वॉल को डिज़ाइन किया गया। नीचे ग्राउंड पे ये ग्रे कलर में टाइल यूज़ की गई है। बिल्कुल सामने ये डोर दिया गया, ये इसके लिविंग एरिया का डोर है, और ये फ्रंट पे डोर दिया गया। ये रूम दिया गया स्मार्ट रूम है, इसे आप स्टडी रूम या प्रेयर रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पे ये वुडन वर्क हुआ है और मिरर इसमें यूज़ किया गया, ये मोल्डिंग वर्क हुआ है। या नीचे ग्राउंड पे ये ग्रे कलर में टाइल यूज़ की गई है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, फैन या इंस्टॉल है, बिल्कुल सामने बहुत ही खूबसूरत ये वुडन वर्क हुआ है, और ये टेम्पल ग्लास के साथ जो है इसको डिज़ाइन किया गया। ये इस रूम का फुल व्यू। ये इसमें फ्रंट वॉल डिज़ाइन की। ये हम वापस आ गए हैं इसकी लॉबी में, और ये इसकी लॉबी का व्यू अगेन। ये इसका मेन डोर लिविंग एरिया का, ये आप देख सकते हैं ये टीवी लॉन्च डिज़ाइन किया गया यहाँ, ये बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल सामने ये वुडन वर्क हुआ है, उसके बाद इसे पेंट किया गया। और ये आप देख सकते हैं इसी वॉल को भी फुली जो है डिज़ाइन किया गया, वॉल पेपर इसमें यूज़ किया गया। और ये यहाँ वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई है। नीचे ग्राउंड पे ग्रे कलर में आप टाइल वर्क व्यू कर सकते हैं। ये बिल्कुल सामने फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन खूबसूरत शैंडल या इंस्टॉल है, फैन या इंस्टॉल है, बिल्कुल सिंपल जो है सीलिंग डिज़ाइन रखा गया है डिसेंट हर फ्लोर पे। और ये दो बेडरूम डिज़ाइन किए गए। पहले हम इसका ये फर्स्ट बेडरूम विजिट करेंगे, और ये आप देख सकते हैं मास्टर साइज में इस रूम को डिज़ाइन किया गया। ये बेडशीट वॉल आप व्यू कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है इसमें शीट वर्क हुआ है, ये वुडन वर्क हुआ है, वो लॉबी इंस्टॉल है, प्रोफाइल लाइट्स दी गई हैं इसमें जो मजीद जो है इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, और ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई है, यानी कि ये सनलाइट के साथ जो है हर रूम को अटैच किया गया। ये इसमें LED यूनिट दिया गया बेडशीट वॉल के सामने। ये इसमें वॉशरूम का भी, वॉशरूम से पहले ये वार्डरोब दी गई है। टेम्पर ग्लास के साथ इसके डोर को डिज़ाइन किया गया, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है डिफरेंट कलर की कम्बिनेशन में ये टाइल वर्क हुआ है। नीचे ग्राउंड से ऊपर छत तक कंप्लीट टाइल यूज़ की गई है। सीलिंग डिज़ाइन एग्जॉस्ट या इंस्टॉल है, ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई है। कंसील फिटिंग में कमोड, ये वैनिटी दी गई है, मिरर या इंस्टॉल है, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है ये टाइल वर्क इसमें डिफरेंट कलर के कम्बिनेशन में जो है मैच किया गया इसको, जो इस वॉशरूम की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहा है। ये हम वापस आ गए इसके बेडरूम में। ये इस रूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। इसके साथ ये सेकंड बेडरूम दिया गया, ये हम विजिट करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत इस वॉल को डिज़ाइन किया गया है, ग्लोब या इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, फैन या इंस्टॉल है, नीचे ग्राउंड पे ये टाइल वर्क का व्यू कर सकते हैं। और ये अगेन जो है इस वॉल को भी सेम डिज़ाइन किया गया।
और ये आप देख सकते हैं कि वेंटिलेशन के लिए जो है हर रूम में स्पेस दी गई है। ये शावर सेट के इंस्टॉल है और बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं इस वॉल को भी जो है ट्रेवर्टाइन मार्बल के साथ जो है डिज़ाइन किया गया। कंप्लीट जो है यहाँ टाइल वर्क है, नीचे ग्राउंड से ऊपर छत तक ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। ये हम वापस आ गए हैं इस रूम में, ये इस रूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में, ये दो बेडरूम दिए गए हैं, ये हम विज़िट कर चुके हैं, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं। ये लिविंग एरिया हम फुली विज़िट कर चुके हैं और आइए हम वापस आ गए इसकी लॉबी में। ये बिल्कुल फ्रंट पर ये स्लाइड डोर दिया गया, ये इसके प्रेयर रूम का डोर है, ये हम विज़िट कर चुके हैं। ये बेसमेंट हम फुली विज़िट कर चुके हैं और ये हम वापस आ रहे हैं अभी इसके ग्राउंड फ्लोर पे। ये ग्राउंड फ्लोर हम फुली विज़िट कर चुके हैं, ये इसकी लॉबी का व्यू, अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विज़िट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है ये ग्लोब डिज़ाइन किए गए, यहाँ पे ग्लोब या इंस्टॉल है। ये बिल्कुल सामने ये विंडो दी गई है, ये डोर दिया गया, ये टेरेस की विंडो है, टेरेस का डोर है, ये हम लास्ट में विज़िट करेंगे। ये हम ऊपर आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर इसकी लॉबी में, ये सीलिंग डिज़ाइन खूबसूरत शैंडल या इंस्टॉल है। नीचे ग्राउंड पर ये 2x4 की टाइल इसकी की है। बिल्कुल सामने लिविंग एरिया का मेन डोर है और ये बिल्कुल फ्रंट पे ये भी ये बेडरूम का डोर है। ये बेडरूम लास्ट में विजिट करेंगे, बेडरूम और टेरेस, पहले हम इसका ये लिविंग एरिया विजिट करेंगे। इससे पहले ये स्टेज का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है डिजिटल लुक के साथ इनको इसको डिज़ाइन किया गया। ये हम इसके लिविंग एरिया में आगे हुए हैं, ये इसमें विंडो दी गई है जो इसकी साइड गली की तरफ ओपन होगी, आप देख सकते हैं वाइडर स्पेस के साथ ये विंडो डिज़ाइन की गई है। ये फ्रंट वॉल बहुत ही खूबसूरत जो है इसका व्यू है, ये मीडिया वॉल दी गई है, वॉलपेपर इसमें यूज़ किया गया, ग्लोब या इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन खूबसूरत शैंडल या इंस्टॉल है, फैन या इंस्टॉल है। नीचे ग्राउंड पे ये 3x6 की ग्रे कलर में टाइल यूज़ की गई और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने जो है ओपन किचन स्पेस, बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है। ये इसके साइड 40 फीट रोड का व्यू, ये बिल्कुल सामने कमर्शियल मार्केट, ये इसका लिविंग एरिया और ये किचन स्पेस आप देख सकते हैं। ऑफ वाइट कलर में बहुत ही खूबसूरत जो है हाई ग्लास यूवी शीट में इसको डिज़ाइन किया गया है। इसकी किचन कैबिनेट को बर्नर हुड या इंस्टॉल है, सिंक, ये विंडो दी गई है जो इसकी साइड 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी। ये इस किचन का फुल व्यू और ये दो बेडरूम बैक साइड पे डिज़ाइन किए गए हैं। पहले हम इसका ये फर्स्ट बेडरूम विजिट करेंगे, बिल्कुल सामने विंडो अगेन जो है वाइडर व्यू के साथ, ये एलईडी यूनिट, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल, फैन या इंस्टॉल है। ये बेड साइड वॉल आप देख सकते हैं मोल्डिंग वर्क हुआ है, या खूबसूरत ग्लोब या इंस्टॉल है। ये इसमें वार्डरोब दी गई है, बहुत ही खूबसूरत जो है इसमें डिज़ाइनिंग में यूवी शीट यूज़ की गई है और इसके साथ आप देख सकते हैं ये दो पल्ले इसके टेम्पर ग्लास में जो है डिज़ाइन किए गए हैं। ये इसमें वॉशरूम का व्यू, बिल्कुल सामने वैनिटी मिरर लाइट्स दी गई हैं, ये सीलिंग डिज़ाइन, एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल है, ये विंडो दी गई है जो इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी। बहुत ही खूबसूरत निश आप देख सकते हैं, कमोड या इंस्टॉल है, नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क, ये इस वॉशरूम का फुल व्यू। ये हम वापस आ गए इसके बेडरूम में, ये बेडरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में, इसके साथ ये सेकंड बेडरूम का डोर है, ये हम विजिट करेंगे। ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई जो इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी। ये बेड साइड वॉल आप व्यू कर सकते हैं, मोल्डिंग वर्क हुआ है या शीट वर्क हुआ है, वॉलपेपर यूज़ किया गया, ये फ्लोटिंग लैंप या इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, एसएमबी लाइट्स दी गई हैं, प्रोफाइल लाइट्स यूज़ की गई हैं इसके सीलिंग डिज़ाइन में। नीचे ग्राउंड पर ये टाइल वर्क का व्यू कर सकते हैं, बेड साइड वॉल के सामने ये एलईडी यूनिट और ये इसमें वार्डरोब दी गई है, ये इसमें वॉशरूम का व्यू, कमोड नीचे ग्राउंड से ऊपर छत तक कंप्लीट जो है आप देख सकते हैं लाइट कलर में, ये टाइल वर्क, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल है, ये लाइट्स दी गई है, मिरर, ये बहुत ही खूबसूरत वैनिटी, ये इसमें विंडो दी गई जो इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी। इसके साथ ये निश दी गई है, ये इस वॉशरूम का फुल व्यू। ये हम वापस आ गए इसके बेडरूम में, ये बेडरूम का फुल व्यू,
ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में। ये दो बेडरूम बैक साइड पे दिए गए हैं, ये बेडरूम के डोर है ये हम विजिट कर चुके हैं। ये हम वापस आ गए हैं लिविंग एरिया में, ये बिल्कुल सामने किचन स्पेस, ओपन किचन स्पेस दी गई, ये हम विजिट कर चुके हैं। और ये इसके लिविंग एरिया का फुल व्यू, ये हम विजिट कर चुके हैं। ये हम वापस आ गए हैं इसकी लॉबी में, और ये इसकी लॉबी का व्यू, ये स्टेयर साइड, ये बिल्कुल सामने टेरेस का डोर, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये फ्रंट साइड पर टेरेस दिया गया फर्स्ट फ्लोर पर, और ये थर्ड बेडरूम दिया गया फर्स्ट फ्लोर पे। पहले हम इसका ये बेडरूम विजिट करेंगे, और ये आप देख सकते हैं अगेन बहुत ही खूबसूरत जो है इसकी बेडशीट वॉल डिज़ाइन की गई, और ये सीलिंग डिज़ाइन को और वॉल डिज़ाइन को मर्ज किया गया, जो इस जो है इस रूम की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहा है। फ्लोटिंग लैंप के इंस्टॉल हैं, ये फैन के इंस्टॉल है, बिल्कुल सामने विंडो दी गई है, और इस विंडो से बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल सामने मस्जिद का व्यू आ रहा है, और इसके साथ ये पार्क का व्यू कर सकते हैं। आइडियल लोकेशन पे, एरिया की प्राइम लोकेशन पे ये घर मौजूद है। ये इसमें वार्डरोब दी गई है, ये इसमें वॉशरूम का व्यू, कमोड ये इंस्टॉल है, नीचे ग्राउंड से ऊपर छत तक कंप्लीट जो है टाइल वर्क का व्यू कर सकते हैं। ये सीलिंग डिज़ाइन एग्जास्ट के इंस्टॉल है, ये विंडो दी गई है, ये इसमें निश दी गई है, शावर सेट के इंस्टॉल है, तमाम जो है ब्रांडेड फिटिंग की गई है वॉशरूम में, किचन में। ये वैनिटी का व्यू, ये इलेक्ट्रिक मिरर, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए हैं बेडरूम में, ये बेडरूम का फुल व्यू, ये वार्डरोब दी गई, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए हैं इसकी लॉबी में, और ये फ्रंट साइड पे टेरेस डिज़ाइन किया गया, हम टेरेस विजिट करेंगे अभी। ये फर्स्ट फ्लोर हम फुली विजिट कर चुके हैं, ये हम लास्ट में इसका टेरेस अभी विजिट कर रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं टेरेस को भी बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया। ये से फ्रंट से ये मेरे ख्याल में एल्युमिनियम रोड जो है इसमें यूज़ किया गया फ्रंट पे, और यहाँ पे आप फैमिली के साथ सिटिंग कर सकते हैं। इसे जो है ओपन नहीं रखा गया, फुली फ्रंट से कवर्ड किया गया, ये वाटर यूनिट दिया गया, और ये इसमें साइड 5 फीट गली का व्यू, और ये आप देख सकते हैं इसके साइड पर भी 40 फीट रोड है, और ये कमर्शियल मार्केट इसके बिल्कुल करीब है, फ्रंट साइड पर बिल्कुल मस्जिद है, और पार्क की लोकेशन है। ये फर्स्ट फ्लोर हम फुली विजिट कर चुके हैं। ये इसका लिविंग एरिया, लिविंग एरिया का डोर दो बेडरूम बैक साइड पे दिए गए हैं, लिविंग एरिया के साथ ओपन किचन स्पेस है, और ये थर्ड बेडरूम फ्रंट साइड पे, और ये फ्रंट साइड पे टेरेस दिया गया। इस तरह इसका फर्स्ट फ्लोर डिज़ाइन किया गया। अभी हम इसकी छत और ममटी विजिट करेंगे। ये हम ऊपर आ गए हैं इसकी ममटी में, ममटी में ये प्रॉपर जो है स्टोर रूम स्पेस दी गई है, वाइडर जो है इसकी ममटी को डिज़ाइन किया गया। ये इसका बिल्कुल सिंपल जो है डिज़ाइन, सीलिंग डिज़ाइन, फैन के इंस्टॉल है, नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये इसके छत का मेन डोर, छत पे आप देख सकते हैं फुली जो है मार्बल वर्क है, और ये सिटिंग के लिए बेंच दिए गए, यहाँ पे प्लांट के इंस्टॉल है। बिल्कुल सामने अगेन जो है ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पार्क का व्यू, और ये मस्जिद का व्यू, और इसके साथ ये कमर्शियल मार्केट आप व्यू कर सकते हैं। आइडियल लोकेशन पे घर मौजूद है, इंतहाई मुनासिब डिमांड में ये घर मार्केट में अभी ऑफ़र किया जा रहा है, तो अगर आप घर बाय करना चाह रहे हैं, और ये इसमें बड़ी बात ये है कि ये इसमें तमाम जो है ब्रांडेड चीज़ें यूज़ की गई हैं, और एक एक चीज़ के रसीद या वो रिकॉर्ड जो है वो इस घर के ओनर के पास जो है प्रॉपर एक फ़ाइल में मौजूद है। तो जो दोस्त इसको परचेज़ करते हैं तो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए तमाम चीज़ें जो है उनसे शेयर की जाएंगी। जो दोस्त या क्लाइंट इस घर में इंटरेस्टेड हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।